दोस्तों कहते हैं ना, अच्छा जगह जाने से अच्छा ही होता है। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, इतना टाइम से मैं वीडियो हाथ से शूट कर रहा था, तो ये भाई साहब मुझे मिल गए, ट्राइपॉड भाई साहब। तो ये ट्राइपॉड सेल करता है यहाँ पर, तो इससे हम ट्राइपॉड खरीदे। फिर ट्राइपॉड खरीद कर वहाँ से इंजॉय करते हुए हम लोग निकल पड़े। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इंजॉयमेंट ट्राइपॉड का काफ़ी अच्छा लग रहा था, अच्छा फील भी हो रहा था। तो मज़ा लेते हुए मैं धीरे धीरे मंदिर की ओर आकर्षित होने लगा। जैसे जैसे मैं मंदिर की तरफ आगे बढ़ा, हमारे गाइड कार चाचा जी मिल गए। तो चाचा जी मुझे बताया कि एक मंदिर का एंट्री टिकट 40 रुपये लगेगा। तो चलते हैं यहाँ से मंदिर का एंट्री टिकट कटवा लेते हैं। तो यहाँ तो काफ़ी भीड़ है रहने के लिए, तो चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से मैं मंदिर का टिकट कटवा कर फिर निकल पड़े मंदिर की ओर। तो दोस्तों हम लोग धीरे धीरे फिर यहाँ पर आ गए मंदिर का एंट्री टिकट काउंटर। तो मंदिर का तो अद्भुत दृश्य काफ़ी ही आकर्षित है, बहुत ही अच्छा है। तो फिर यहाँ पर जल्दी से हम लोग अपना एंट्री टिकट यहाँ पर टोपी वाले अंकल जी को देते हैं और वहाँ से हाय बाय कहकर अंकल जी से निकल जाते हैं। दोस्तों सूर्य मंदिर में अद्भुत दृश्य को देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। तो यहाँ पर मैं खड़ा था और आंटी जी सूर्य मंदिर का अद्भुत दृश्य देखकर वो भी हक्का बक्का रह गई। तो मुझे जाते नहीं बन रहा था, फिर भी ऐसे तैसे करके मैं आंटी के बगल से चुपके से निकल गया। फिर वहाँ से अद्भुत दृश्य का लुत्फ़ तो उठाते हुए मैं नीचे की ओर चला गया।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सूर्य मंदिर कोणार्क का पत्थरों में शिल्प कारीगरों द्वारा इतने सुंदर निकासी उकेरे हुए हैं, जिसको देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो देख सकते हो आप लोग कितना ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का नज़ारा, और हमारे शिल्प कारीगरों द्वारा इतना सुंदर पत्थरों में निकासी उकेरे हुए हैं, जिसको देखकर आप लोग चकित रह जाओगे। दोस्तों आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को वीडियो लेट में मिला, तो वीडियो बनाने और एडिट करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना, काफ़ी मेहनत लगता है यार दोस्तों, लाइक करना यार दोस्तों।